मैं न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। मैं परम जॉय गुहा ठाकुर था। आज के चर्चा का विषय है भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था और मेरे साथ अध्यापक अरुण कुमार, जाने माने अर्थशास्त्री। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बहुत साल अर्थनीति पढ़ाया। तो अध्यापक अरुण कुमार जी, वो 31 अगस्त भारत सरकार का जो आंकड़ा आया है कि हमारे देश का जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वो लगातार 2 साल से गिर रहे थे, 8 तिमाही में 2 साल गिर रहे थे, 8 तिमाही। अप्रैल मई जून ये 3 महीना में ठीक लॉकडाउन के बाद, अगर आप ये जनवरी फरवरी मार्च से तुलना करेंगे तो भारतवर्ष का जीडीपी लगभग 24%, 23.9% गिरा। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। अगर ये 3 महीना अप्रैल मई जून आप 2019 का अप्रैल मई जून के साथ अगर तुलना करेंगे तो ये गिरावट लगभग 23%, 22.8%। तो ये सारे जो आंकड़ा अभी आए हैं, सार्वजनिक हुई है, आप किस नजरिया से देखते हैं? ये भारी गिरावट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये और भी ज़्यादा गिरावट है। ये सिर्फ 23.9% की गिरावट नहीं है, क्योंकि जैसे कि जो प्रेस रिलीज आई जिसमें ये आंकड़े दिए गए थे सरकार की तरफ से, तो उसी में कहा गया है कि हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं थे और इसलिए हमने प्रॉक्सी कुछ यूज़ किए हैं और ये डेटा रिवाइज होगा। तो दो चीज़ें तो साफ हैं, एक तो कॉरपोरेट सेक्टर के रिजल्ट आए कुछ, लेकिन उन्हीं कॉर्पोरेट सेक्टर के रिजल्ट आए जिनके रिजल्ट अच्छे थे और सरकार ने टाइम दिया बाकियों को कि वो सितंबर तक अपने आंकड़े दें। तो जब वो फाइनल आंकड़े आएंगे तो क्योंकि बहुत भारी लॉस हुआ, बहुत सारी कंपनियां बंद थी, तो इसलिए ये रिवाइज होगा डाउनवर्ड। और दूसरी बात ये, उन्होंने जीएसटी के आंकड़े इस्तेमाल किए। अब जीएसटी में भी क्या था कि मार्च में ये छूट दे दी गई थी कि आप जून तक के एंड तक आप अपने आंकड़े दे सकते हैं, तो जून में एक लंपिंग हो गया जिसमें जीएसटी कलेक्शन फरवरी मार्च अप्रैल का वो लंप हो गया, तो जीएसटी भी ज्यादा हो गया। तो इसलिए ये भी एक परेशानी का दौर है कि अगर आप जीएसटी के आंकड़े लेते हैं तो वो भी एक अपवर्ड बायस देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि असंगठित क्षेत्र तो बिल्कुल ही बंद हो गया था और हमारी अर्थव्यवस्था में 45% असंगठित क्षेत्र है। अच्छा, उसके आंकड़े तो आते ही नहीं है। के ऊपर अध्यापक अरुण कुमार जी, आपसे मैं बारीकी से पूछना चाहता हूँ। मैं ये इससे जुड़ा हुआ है, जीएसटी के ऊपर मैं बाद में कहूंगा। ये बिल्कुल ठीक, जो असंगठित सेक्टर है, जो इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारे देश के 90% लोग आज, 90% ज्यादा लोग आज असंगठित क्षेत्र में है। मगर आप जैसे कहा, हमारे पूरा जीडीपी अगर हम अर्थव्यवस्था देखेंगे आधा के आसपास 45% आ रहे, तो ये पूरा क्षेत्र का जो आंकड़ा है हमारे पास, हर 5 साल में एक समीक्षा होता है, एक सर्वेक्षण होता है, उसके बाद मालूम पड़ता है। मगर इस साल आप लग रहा है ये थोड़ा बढ़ा के सरकार ने दिखाया क्या? नहीं, ये आंकड़े तो है ही नहीं। तो जो मेथड होता है, जिस तरीके से हम आंकते हैं, हम मान लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र उसी तरह चल रहा है जैसे संगठित क्षेत्र। ये बात नोटबंदी के बाद सही नहीं है, जीएसटी जो लागू हुआ उसके बाद सही नहीं है, क्योंकि इनको जो है काफी बड़ा धक्का लगा असंगठित क्षेत्र को। और अभी भी ये जो आंकड़े हैं इसमें असंगठित क्षेत्र नहीं है, और असंगठित क्षेत्र ही पूरी तरह बंद हो गया क्योंकि लोग घर से निकल नहीं पाए, काम हो नहीं पाया, आपने देखा सड़कें खाली थी। तो अगर असंगठित क्षेत्र को भी जोड़ लें तो मेरा मानना है कि ये -40% से भी कम है रेट ऑफ ग्रोथ। और अगर आप ये मान के चलें कि कृषि में भी परेशानी आई, क्योंकि ऐसा नहीं कि कृषि पूरी तरह काम कर रहा था, सब्जी और फल तो खेतों में ही सड़ गया, वो बाहर नहीं निकल पाया। आजादपुर मंडी में आधे से कम पिछले साल के मुताबिक वो आया, पंजाब की जब मंडियों में भी आधे से कम जो सामान आ पाया और जो प्राइसेस है वो क्रैश कर गए। उसी तरह फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, और बाकी जैसे मिल्क का उत्पादन है, दूध का उत्पादन है, और जो मुर्गियों का है, अंडों का है, उसमें बहुत भारी गिरावट आई क्योंकि मिड डे मील स्कीम बंद हो गया, हलवाई बंद हो गए, होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए, यहाँ पे दूध वगैरह की खपत होती थी वो खत्म हो गई। तो कुल मिला के कृषि में भी पूरी तरह काम नहीं हुआ, कृषि में भी गिरावट आई, हालांकि सरकार कह रही कृषि तो अच्छा कर रहा है, पर मेरा मानना है कि अरुण कुमार जी, मैं सरकारी आंकड़ा आपको बताता हूँ।
सरकारी आंकड़ों कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में 3.4% बढ़ा ये तिमाही में अप्रैल मई जून, क्योंकि जो खारिफ का जो 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 फसल आए थे लोग शहर छोड़ के गांव चले गए थे, वहां पे उत्पादन बढ़ गया, ये सरकार का कहना है। मगर सरकार खुद मान रहे हैं कि अगर आप पूरा जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो लगभग आधा हो गया, 50% गिरा, आपका जो व्यापार कहेंगे हॉस्पिटैलिटी कम्युनिकेशन इसमें भी 47%, और जो खनन होता है माइनिंग एंड क्वारिंग उसमें 23%, और मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग क्षेत्र है वहां पे लगभग 39% कम हो गया था। और ये जो गिरावट आप कह रहे हैं जो जीडीपी का गिरावट, हम 40 साल में ऐसा गिरावट नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे सरकार के आंकड़े आए हैं वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के हैं, उसमें असंगठित क्षेत्र आता ही नहीं। असंगठित क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन भी आता है बाकी आता है, तो ये आंकड़े सही नहीं है। और अगर ये हम मान लें कि जो अप्रैल में जब जो लॉकडाउन हुआ पूरी तरह तो अर्थव्यवस्था 75% गिर गई, और मई में थोड़ी बहुत बढ़ी तो 60% पे आई, और जून में 50%, और उसका एवरेज अगर निकालें तीनों का तो -58% आता है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि -40% से भी ज्यादा की गिरावट आई अर्थव्यवस्था में, क्योंकि असंगठित क्षेत्र को जोड़ लें तो जबरदस्त गिरावट है। और ये जो 23.9 है ये तो सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इसको तो खुद ही सरकार कह रही है कि ये तो रिवाइज होगा, और ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ संगठित क्षेत्र के भी पूरी तरह से नहीं है, तो इसलिए ये सारा कुछ रिवाइज होने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि कृषि में भी गिरावट है, ऐसा नहीं है कृषि में बढ़त है, क्योंकि उसमें हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर ये सब में गिरावट हुई। फिर जो किसान है उसको MSP नहीं मिला तो वहां पे उसकी आमदनी कम हो गई, तो किसानों में भी क्राइसिस हुआ। हालांकि अब फसल बढ़ गई जो फूड ग्रेन्स और पल्सेस की, लेकिन वहां पे भी परेशानी आई क्योंकि MSP नहीं मिला, सामान जब बाजार में आ नहीं पाया, तो कुल मिला के आमदनी बहुत ज्यादा गिरी, सारे असंगठित क्षेत्र की गिरी, और मेरा मानना है कि करीब 20 करोड़ लोगों का काम चला गया। ये जो हमारे देश का जो जो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, जो हमारी जो आर्थिक सलाहकार है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे वित्त मंत्रालय हमारे भारत सरकार में, उनका कहना है कि फरवरी महीना में हम देख रहे थे थोड़ा बहुत हमारे GDP बढ़ रहे थे, ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी उनका कहना है, और बोला कि जब लॉकडाउन हुआ यही एक कारण है जिसके लिए हम देख रहे कि GDP कम हो गया। और कुछ लोग कह रहे थे बाकी देशों में ऐसा नहीं हालत है, मगर आप अगर OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो सबसे जो अमीर देश है उनके आंकड़ा देखेंगे तो भारत में उसकी गिरावट सबसे ज्यादा हुई है। तो दो सवाल है, ये कि सिर्फ एक लॉकडाउन के लिए हुई है, और अगर आप भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था और बाकी सारे देशों के साथ अगर तुलना करेंगे क्या छवि आपको मिल रही है? ऐसा है कि जो आपने कहा कि फरवरी मार्च में थोड़ा सा बढ़त हो रही थी, लेकिन जो आंकड़े आए तो गिरावट के ही आए कि 3.1%, वो तो क्वार्टर बाई क्वार्टर गिर रहा था। और कुछ थोड़े बहुत आंकड़े दे के हम कहें कि नई नई चीजें बेहतर हो रही थी तो वो सही नहीं है। कुल मिला के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ देखें तो गिरावट जारी थी, लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो गया, सप्लाई फ्रीज हो गई, डिमांड एकदम गिर गई, तो इससे तो जितनी गिरावट हुई वैसी तो भयंकर गिरावट कभी देखी नहीं गई। और जो आप कह रहे हैं कि बाकी और जो G20 के राष्ट्र हैं उनकी तुलना में हमारी गिरावट ज्यादा है, और उसकी वजह बड़ी आसान है कि जो हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र और किसी अर्थव्यवस्था में नहीं है। और दूसरी बात यह कि आपने कहीं भी नहीं देखा कि करोड़ों लोग जब पलायन कर रहे हैं शहर से गांव में, तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो क्राइसिस है वो और बाकी देशों के कंपैरिजन में ज्यादा है। लेकिन अभी कल ही साउथ अफ्रीका के भी आंकड़े आए हैं, वहां पे भी 50% की गिरावट आई है, तो ये मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि भारत में भी 50% से ज्यादा की गिरावट आई, क्योंकि हमारे यहाँ भी असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है और वही पिट गया। तो जैसे मैं कह रहा था कि जो रोजगार है वो तो असंगठित क्षेत्र में खत्म हो गया, और इसलिए 122 मिलियन का जो आंकड़ा CMI ने दिया है, मेरा आंकड़ा है कि 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोगों की जो नौकरी चली गई। और उसमें होता क्या है कि जैसे अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो गई तो आप कहेंगे मैं एम्प्लॉयड हूँ, पर आपका काम तो खत्म हो गया। उसी तरह जैसे सरकारी मुलाजिम है वो तो एम्प्लॉयड है लेकिन वो आधे दिन ही काम पे जा रहे हैं या वो जा ही नहीं रहे काम पे, या टीचर है वो पढ़ा नहीं पा रहा है, या बहुत सारे टीचर हैं वो एडहॉक या टेम्पररी हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट और वर्क में हमें फर्क करना पड़ेगा, यानी कि रोजगार में और काम में। कि आप हो सकता है कि आपका रोजगार नहीं गया लेकिन आप काम नहीं कर रहे क्योंकि लॉकडाउन हो गया। इसलिए मेरा मानना है कि CMI के आंकड़े भी सही नहीं है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक निजी संस्था है, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो अप्रैल में 23% हुई थी, फिर थोड़ा जून में कम होगी 11 तक गिर गया था, और अगस्त जब खत्म हुआ 8.3%। महेश व्यास ने एक जो CMI का जो चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू साक्षात्कार है जिसमें उन्होंने कहा कि जो तनख्वाह मिल रहे थे सैलरीड लोग, ऐसे लोगों का भी लगभग 2,90,00,000 रुपया का नौकरी चला गया। उन्होंने कहा कि एक तरह से असंगठित क्षेत्र से पूरा जो असर पर है संगठित क्षेत्र में चल गया। अप्रैल में उन्होंने कहा कि लगभग 40,30,000 लोगों को नौकरी वो असर पड़ा, लॉकडाउन का असर पड़ा, और उन्होंने जैसे आपने कहा लगभग 12 करोड़ लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। ये है पूरा, मगर उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ लोग को नौकरी मिली। ये CMI का आंकड़ा है। आप कह रहे हैं कि स्थिति इससे भी खराब है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रोजगार का आंकड़ा है, अब जैसे कि लोग शहर से गांव में पलायन करके गए तो करोड़ों लोग गए, अब वो तो CMI के उसमें फ्रेम में आते ही नहीं है, और जो बचे थे वो कह रहे थे कि हमारा रोजगार इतना नहीं गया है, क्योंकि वो तो मतलब एम्प्लॉयड थे पर काम पे नहीं जा रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रोजगार में और काम में फर्क है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करीब 20 करोड़ लोगों का काम चला गया और उसका GDP पे असर हुआ। फिर उसी तरह जो गाँव में पलायन करके गए वो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में उन्होंने काम किया। अब रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम तो उनका काम नहीं था, तो जो उनका असली काम था वो बंद हो गया, और वो ये रेजिडुअल काम जो है जिसको एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहते हैं उसमें काम कर रहे हैं, तो मैं उसको भी नहीं मानता कि वो एक तरह से पूरा रोजगार वापस आ गया है। तो CMI के आंकड़े दिखा रहे हैं कि रोजगार वापस आता चला गया है लोग, क्योंकि वो अगर जब आप एम्प्लॉयमेंट गारंटी में काम कर भी रहे हैं पर वो तो आपका रेजिडुअल काम है, वो आपका ओरिजिनल काम नहीं था। तो इसलिए इसमें दोनों में हमें फर्क करना पड़ेगा, और इसलिए मैं कहता हूँ कि 20 करोड़ लोगों का काम चला गया और वो बहुत बड़ा है। अगर ये आप मान के चलें कि ये लोग की जब तनख्वाह भी जब रुक गई या तनख्वाह कम हो गई, तो मेरा मानना है 80 करोड़ लोग ये एक गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। तो बहुत बड़ी गरीबी आई तो उससे क्या है कि जो कंजम्पशन डिमांड कम हो गई, और इसीलिए कृषि में भी डिमांड कम हो गई, और ये आप देखें तो इसकी असर ये हुआ कि जब इन्वेस्टमेंट भी गिर गया, और इन्वेस्टमेंट इसलिए गिरा क्योंकि जब डिमांड कम हो जाती है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इंडस्ट्री का बिजनेस का वो कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों गिरे हैं, और खासकर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन गिरा है, जो एसेंशियल कंजम्पशन होता है वो। मैं सरकार का आंकड़ा आपको कुछ देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि लगभग 80 करोड़ भारतीय नागरिक आज ये लॉकडाउन के लिए, ये महामारी के लिए गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। भारत सरकार का आंकड़ा कह रहे हैं कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब निजी क्षेत्र का जो खर्चा है, जो हमारे पूरा GDP हमारा सकल घरेलू उत्पाद से आधा से भी ज्यादा है, 55% के आसपास है, यहां पे हम देख रहे हैं कि 27% कम हो गया अप्रैल मई जून, ये भारत सरकार का कहना है। और ये भी कहा कि सरकार का जो खर्च है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये लगभग 24% बढ़ा, मगर ये जो सरकारी खर्चा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पूरा GDP का सिर्फ 18% है। और निवेश का एक आंकड़ा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये लगभग आधा 48% गिरा। तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था का स्थिति अत्यंत खराब है, सरकारी आंकड़ा क्या है, और आप कह रहे हैं इससे भी स्थिति खराब है क्योंकि एक तरह से एक मांग नहीं है, डिमांड रिसेशन चल रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से भारत सरकार 24 मार्च के रात के समय लॉकडाउन का घोषणा किया, उस समय भारतवर्ष का लगभग 500 के आसपास कोविड केसेस थे, आज तो आप जानते हैं बढ़ के कहां पहुंच गए हैं। तो जिस तरह से ये लॉकडाउन घोषणा किया गया, भारत सरकार कह रहा है कि अगर हम नहीं करते तो इससे भी खराब स्थिति, आपका क्या कहना है? ये बात सही है कि लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन लॉकडाउन तैयारी करके करना चाहिए था। और हमारे देश में होता क्या है कि हम असंगठित क्षेत्र की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं, असंगठित क्षेत्र में कैसे होगा, क्या होगा, उन पे क्या आफत आएगी,
बस एक लॉकडाउन घोषित कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन नहीं घोषित करना चाहिए था, क्योंकि ये पैंडेमिक है, इसमें ये डिजीज बड़ी तेजी से फैलता है, बहुत विरुलेंट है, और उसी लिए इसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। अब लॉकडाउन तो पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि जब पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था WHO ने 11 मार्च को, लेकिन सरकार कहीं और चीजों में व्यस्त थी, उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो असंगठित क्षेत्र है उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको खाना पीना कहाँ से मिलेगा, वो गांव पलायन करेगा तो टेस्टिंग कैसे होगी, इस सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और इसीलिए ये हुआ है कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ रहा है, जबकि हमारे नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बाकी देशों में खोला गया जब उन्होंने नंबर को कंट्रोल कर लिया, और वहां पे लॉकडाउन इफेक्टिव हुआ तो उन्होंने 2-3 महीने में कंट्रोल कर लिया और फिर अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया, जैसे कि चीन में है, ब्रिटेन में है, स्पेन में है, इटली में है। हमारे यहाँ तो जब नंबर इतना भड़क रहा है, सबसे ज्यादा दुनिया का है, तब हम और ईजिंग कर रहे हैं तो इससे और भी भड़केगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं थी, और इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था पे भी असर है, गरीबों पे ज्यादा असर है, वहां पे भुखमरी है, वहां पे परेशानी है। आपने देखा रिपोर्ट आ रही है कि जो टीचर होता था वो आजकल जब मनरेगा में काम कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है या मिट्टी ढो रहा है। तो ये जो समस्या है हमारे देश में ज्यादा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, सरकार का ध्यान उस तरफ कभी जाता ही नहीं है। आगे क्या करना चाहिए सरकार को इस विषय के ऊपर कहने के पहले, आपने जो GST के बारे में कहा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। आज इस महामारी के बाद या लॉकडाउन के बाद लोगों को राहत देना, मगर सरकार, केंद्र सरकार कहा कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, GST का पैसा हम देने के लिए तैयार नहीं थे पहले, अब कह रहे सरकार नहीं हम देंगे। सरकार राज्य सरकार को कह रहे हैं आप ऋण ले लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ले लीजिए, और राज्य सरकार कह रही है ये कैसा बात है, आप जो पैसा हमारा जरूरत था हमें आपने कहा हम देंगे, आप नहीं देने के तैयार है, और आप कह रहे ऋण लीजिए ले लीजिए, मैं कर्ज में और डूब जाऊंगा, तो ये जरा समझा दीजिए। देखिए ऐसा है कि GST जब लागू किया जाने वाला था तो उस समय कुछ राज्य थे वो कह रहे थे कि ये तो लास्ट पॉइंट टैक्स है, और लास्ट पॉइंट टैक्स होने का मतलब जो कंज्यूमिंग स्टेट्स है वहां पे ज्यादा कलेक्शन होगा और हमारा कलेक्शन गिर जाएगा। तो जैसे तमिलनाडु है और गुजरात, जहाँ पे उस समय मुख्यमंत्री हमारे अभी प्रधानमंत्री थे, वो मानने को तैयार नहीं थे, और इसीलिए ये कहा गया था सरकार ने कि आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो 14% बढ़ेगा हर साल 2015-16 की बेस पे, और अगर वो नहीं बढ़ा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉम्पेंसेट करेगी, एक कॉम्पेंसेशन फंड बनाया जाएगा। कॉम्पेंसेशन फंड बनाया गया जो सिन गुड्स हैं, जैसे कि आपके जो ये कोका कोला वगैरह है ना, या लग्जरी आइटम्स हैं, जो लग्जरी कारें हैं, इन पे 15% एक्स्ट्रा सेस लगाया गया, उससे जो फंड कलेक्ट होगा वो होगा आपको दिया जाएगा। यानी सरकार का एक कमिटमेंट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आप आ जाइए GST में और हम आपको पूरा कॉम्पेंसेट करेंगे, 14% आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब पिछले साल से क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही थी तो इसलिए जो GST बढ़ना उतना कम हो गया, कंपनसेशन सेस में कलेक्ट नहीं हुआ, तो पिछले साल का जो सेस था वो इस बार जुलाई तक दिया गया, और जो अप्रैल से जो देना चाहिए था कंपनसेशन वो दिया ही नहीं गया है। और उसकी वजह ये है कि अब जब आपकी अर्थव्यवस्था 50% गिर गई है तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, GST कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन सब गिर गया, तो स्टेट्स के ऊपर दोहरी मार पड़ी कि एक तो उनका GST कलेक्शन नहीं हो रहा, फिर दूसरा कॉम्पनसेशन उनको नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए था, तीसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स उसका 42% तो स्टेट्स के पास जाता है। अब सेंटर भी कम कलेक्ट कर रही है तो वो जो है उसका असर, तो मेरा मानना है कि कम से कम जो टैक्स कलेक्शन में इस साल और नहीं तो 15 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी, और ये असर इसका होगा कि सेंटर के पास तो कम आएगा ही, स्टेट्स के पास बहुत कम आएगा, और स्टेट्स पे बर्डन ज्यादा हो गया है क्योंकि उनको कोविड से डील करना है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट से डील करना है, उनको खेती से डील करना है, तो इसलिए स्टेट्स की दोहरी मार है। और इसीलिए कई स्टेट्स कह रहे हैं कि हम तो तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे अपने मुलाजिमों की, जैसे कि दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो डॉक्टर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली काफियों को। तो ये बहुत ही एक परेशानी का दौर है जिसमें स्टेट्स को मदद की जरूरत है, और सेंटर बोरो कर सकता है, और बोरो करके वो दिया जा सकता है पैसा। स्टेट्स के लिए बोरो करना ज्यादा कठिन है क्योंकि उनकी लिमिट होती है और उनको जो मिलेगा भी तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा, तो इसलिए स्टेट्स अगर बोरो करेंगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, और सेंटर बोरो करेगा तो कम खर्चा आएगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं सेंटर की जो भी आप बोरो करेंगे या तो 95,000 करोड़ रुपया या आप जो 2,35,000 करोड़ रुपया, तो वो जो कॉम्पेंसेशन सेस आएगा उससे हम ये पे कर देंगे, पर 2022 में वो खत्म हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम उसको अवधि को बढ़ा देंगे,
पर जब वो स्टैट्यूटरी जो अभी रिक्वायरमेंट है उसको नहीं फुलफिल कर रहा है तो 2022 से बढ़ाने का तो स्टैट्यूटरी वो है ही नहीं, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि वो बढ़ा भी दे, फिर उसके बाद स्टेट्स के ऊपर बर्डन और बढ़ जाएगा। तो इसलिए स्टेट्स रिलक्टेंट है, वो कह रहे हैं कि जो आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है वो तो आप पूरा करिए, ये बाद में देखेंगे, आप बोरो करके हमें पैसा दीजिए। आप सरकार के सामने क्या रास्ता है? निर्मला सीतारामन जी, वो तो पहले वाला ये सब भगवान के ऊपर है, एक्ट ऑफ गॉड कहा, ने उससे पहले उन्होंने कहा था ये जो राहत का जो एक पैकेज है, बोला भारत वर्ष का जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, इसके लगभग 10% है, हमारे सकल घरेलू उत्पाद लगभग 200 लाख करोड़ है, उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ का एक पैकेज, राहत का एक पैकेज। मगर जब लोग बारीकी से देखा, इसमें नया खास कुछ नहीं था, 2 लाख करोड़ भी नहीं था, यानी कि पूरा जो हमारे जो जीडीपी है उसका लगभग 1% भी नहीं था। और बार बार लोग कह रहे कि आप लोगों को जेब में पैसा दीजिए, आप खर्चा और कीजिए, आप नोट छपाइए, मगर सरकार क्यों इंतजार कर रहे, किसके लिए इंतजार कर रहे? भारतीय रिजर्व बैंक का जो भूतपूर्व गवर्नर है डॉक्टर रघुराम राजन कहा था, सर एक एक युक्ति लोग दिखा रहे थे कि बाद में हम खर्चा करें, मगर उन्होंने कहा दिस इज अ सेल्फ डिफीटिंग लॉजिक, अभी है समय खर्च करने का, आप सरकार क्यों खर्च नहीं कर रहा है, आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, इस विषय के ऊपर आपका क्या राय है? तो जैसे आपने कहा कि सरकार ने जो पैकेज दिया है 20 लाख करोड़, वो ज्यादातर लोन है, क्रेडिट है, और वो जो देना चाहिए गरीब आदमी को वो वहां पे दिया नहीं जा रहा है। और लोन और क्रेडिट तो लॉन्ग टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, अभी तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आपको चाहिए, ये तो ऐसी बात हो गई कि आपका घर जल रहा है तो आप कह रहे हैं कि हम दमकल खरीद लेंगे, हम दमकल घर और बना लेंगे, तो तब तक तो घर जल जाएगा। तो इसे शॉर्ट टर्म में करना बहुत जरूरी है डिमांड जनरेट करने के लिए, क्योंकि जब डिमांड जनरेट होगी तभी इंडस्ट्री वगैरह दोबारा काम पे आएगी। तो इसलिए ये बहुत ही इनएडिक्वेट पैकेज है। दूसरा चीज जो पैकेज में किया गया, जो भी सरकार नीतियां अपनाना चाह रही थी 2014 से उनको सबको अनाउंस कर रहा है, जैसे कृषि में रिफॉर्म कहते हैं उसको, तो 3 चीजें बदल रहे हैं, उसी तरह इसरो के बारे में है, उसी तरह जो एटॉमिक एनर्जी के बारे में है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इन सब का ये पैंडेमिक से क्या लेना देना, तो ये एक भटकाने वाली बात है और इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, और ये चीजें और बिगड़ती चली जाएंगी। पर मेरा मानना है कि इस समय जैसे मैंने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपए से करीब टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि आपका टैक्स जीडीपी रेशियो गिर रहा है, आपका जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन गिर रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन गिर रहा है, तो आपने बजट तो बनाया था कि 10% ग्रोथ होगी नॉमिनल, लेकिन आपकी गिरावट -30% है, तो आपका बजट पूरा बेकार हो गया है, क्योंकि 40% का टर्न राउंड है, आपका रेवेन्यू उतना नहीं आएगा, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा कोविड पे, तो जब तक आप बाकी खर्चे नहीं काटेंगे तब तक आपका जो रेवेन्यू इस समय जो मेरा मानना है फिस्कल डेफिसिट करीब 30% की रफ्तार से चल रहा है। और जहां पे रघुराम राजन वगैरह गलती कर रहे हैं वो अभी भी 200 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी मानते हैं, मेरा मानना है जीडीपी ऑलरेडी गिर गया है, वो गिर के 130 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, तो मैं 130 लाख करोड़ रुपए पे कैलकुलेशन करना चाहिए। तो जो पिछले साल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट अगर सेंटर स्टेट और पब्लिक सेक्टर को ले लें तो वो ऑलरेडी 10% पे था, तो 10% तो 200 लाख करोड़ पे था, तो 130 लाख करोड़ पे वो 15% हो गया, और अगर 15 लाख करोड़ रुपए की गिरावट होगी टैक्स में तो वो भी 15% हो गया, तो फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 30% हो गया। फिर गरीबों के लिए खर्चा करना है आपको, और आपको जो है पैंडेमिक के लिए खर्चा करना है, और मेरा मानना है अगर 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं और उनको हाफ पॉवर्टी लाइन दें, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक की है $1.9, उसका आधा दें साल के लिए, तो आपको फिर 15-18 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट 45% पे पहुंच जाएगा। तो ये 45% हमें कैलकुलेट करना है लोअर जीडीपी पे, ना कि 204 लाख करोड़ रुपए पे। अच्छा, तो इसलिए ये जो मेरा मानना है कि इस समय फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही है सिचुएशन, क्योंकि डिमांड नहीं है, तो डिमांड जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप 15-18 लाख करोड़ रुपए गरीब को देंगे, किसान को देंगे, तो कुछ डिमांड जनरेट होनी शुरू होगी, तो ये डिमांड जनरेशन का जो है वो सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि उसका उसको पता है कि उसका फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी करीब 30% पे पहुंच गया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ डेफिसिट है जैसा कभी किसी अर्थव्यवस्था ने फेस नहीं किया है। मेरा आखिरी सवाल, जैसे आपने रघुराम राजन जी का जो कहना है इसके बारे में आपने कुछ किया, रघुराम राजन जी भी ये भी कह दिया कि अगर ये जो आंकड़ा आए हैं इसका कोई थोड़ा बहुत आशा का किरण है ये कि हमारे देश का जो राजनेता है, हमारे देश का जो सरकारी अफसर है,
वो उनका नीड से वो जग जाएगा. इट विल कम एज अ शॉक, इट विल अलार्मिंग. उन्होंने कहा इट शुड शेक देम आउट ऑफ देयर कॉम्प्लेसेंसी. तो क्या आप सब कुछ क्या मान रहे हैं, हमारे देश का जो राजनेता है, हमारे देश का जो सरकारी अफसर है, उसको आज क्या ये जो इतना गंभीर स्थिति है अर्थव्यवस्था में, इतना बुरी हालत है, जैसे आपने कहा ये पिछले चार महीना चार पांच महीने में 80 करोड़ के लगभग लोग, नए लोग गरीबी रेखा का नीचे आ गया. आप क्या लग रहा है, सरकार और सरकारी अफसर, हमारे देश का जो राजनेता कुछ करेंगे, कुछ नया कुछ करेंगे ये नया आंकड़ा देखने के बाद? मुझे लगता है कि उनको पता है कि स्थिति काफी गंभीर है, लेकिन उनको ये भी पता है कि ऑपोजिशन इस समय खत्म हो गया है देश में. इस समय एक इमरजेंसी का दौर है जहां पे ऑपोजिशन कुछ कर नहीं पाता है, आप प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं. और थोड़े बहुत छुटपुट जो प्रोटेस्ट हुए हैं भोपाल में, इंदौर में, कुछ जो युवा छात्र लोग हैं वो बाहर निकल के आए कि उनको काम नहीं मिल रहा है. तो काम की परेशानी है, शिक्षा की परेशानी है, स्वास्थ्य की परेशानी है, पर कोई उसको अपोज नहीं कर पा रहा. तो सरकार एक तरफ से मतलब एक तरह निश्चिंत है कि कोई कुछ कर नहीं सकता है. और जब तक ऑपोजिशन ये चीजें उठाता नहीं है तब तक वो बात आती नहीं है. पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन आवर आप करेंगे नहीं, है ना, तो आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते पार्लियामेंट में. नहीं तो शोर होता था और शोर से फिर सरकार को जवाब देना पड़ता था. इस बार शोर भी नहीं होगा कि वो जो सारे एमपी डिस्पर्स होंगे, जो 60 साल या 65 साल से ऊपर के एमपी हैं वो आएंगे नहीं पार्लियामेंट में, तो जो ऑपोजिशन है वो और भी डेसिमेट हो जाएगा. तो कुल मिला के मेरा मानना है कि सरकार को लगता है कि वो जैसे चल रहा है वैसे वो चलाती रहेगी और उसको कोई अपोज करने वाला नहीं होगा. तो ये जो आज जो स्थिति है इसमें जो ऑल्टरनेट व्यू है, कहीं ऑल्टरनेट व्यू आ ही नहीं रहा है. दुख की बात, आप जैसे कहा तो कोई ज्यादा हम आशावादी नहीं है आपके बात सुन के, फिर भी आप अपना समय आप न्यूज़पिट को दर्शक को दिया, बारीकी से भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था का विश्लेषण आपने किया. धन्यवाद अध्यापक अरुण कुमार जी, और आप सब देखते रहिए न्यूज़पिट.